अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को इलाज की गर्ज से सुबह एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन भेज दिया गया, बल्कि वो रवाना हो गए। और नवाज शरीफ साहब को आज सुबह जाती उमरा से रवाना किया गया तो उस वक्त कारकुनों की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज जो है वो नवाज शरीफ के साथ एयरपोर्ट तक नहीं गई, उन्होंने जाती उमरा से ही अपने वालिद को अलविदा कहा। हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ का नाम ECL से नहीं निकाला गया, उन्हें अदालती इजाजतनामा यानी कोर्ट पेपर्स दिखाकर बाहर जाने की इजाजत दी गई। अब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अगर केसेस के ऊपर एक एनालिसिस, एक क्विक रिव्यू लिया जाए, देखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में जराए से ज्यादा एसेट्स बियॉन्ड मींस पर 10 साल कैद की सजा सुनाई। फिर 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद और 3.75 अरब रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। उसके साथ ही उन्हें 10 साल के लिए अवामी ओहदे से नाअहल भी करार दिया गया, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस की अगर बात करें तो उसमें उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। नवाज शरीफ पहले अडियाला जेल, रावलपिंडी और फिर कोट लखपत जेल लाहौर में कैद रहे। 29 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस पर सजा का फैसला चैलेंज किया गया और 11 अक्टूबर 2019 को उन्हें चौधरी शुगर मिल्स केस में कोट लखपत जेल से गिरफ्तार करके नैब के हवाले किया गया। 25 अक्टूबर 2019 को उनकी तिब्बी बुनियादों पर, मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत मंजूर की गई। इस तरह 26 अक्टूबर को अल अजीजिया रेफरेंस में भी उनकी जो इंटरिम बेल थी, अबूरी जमानत, वो मंजूर की गई। और फिर आज फेडरल कैबिनेट का सेशन भी हुआ जिसमें फैसला किया गया कि नवाज शरीफ फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ की बाहर मुल्क रवानगी पर तबसरा करते हुए फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुझे नवाज शरीफ की वापसी की उम्मीद कम है, PTI ने सिर्फ हुकूमत हासिल की है, अभी निजाम नहीं बदल सके, निजाम जद्दोजहद से बदलेगा जिसमें अवाम के तावुन की भी हमें जरूरत है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए नवाज शरीफ साहब के केस के ऊपर अगर बात की जाए तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रवानगी के बाद अब मुस्लिम लीग नून की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, पार्टी मामलात किसके पास होंगे और हुकूमत अब इस सूरत हाल को किस नजर से देख रही है, क्या हुकूमत पर अब अपोजिशन का दबाव कम होता नजर आएगा, इस तमाम सिचुएशन को हम अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। और फिर साथ साथ चेयरमैन नैब के हवाले से भी बात होगी कि उन्होंने भी काफी से बाद आज बड़ा वो एक्टिव दिखाई दिए और इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से डील होगी ना ढील होगी और ना ही NRO मिलेगा। एक तरफ अस्पताल के बेड पर कई मरीज हैं तो दूसरी तरफ लोगों को नज़ला जुकाम के इलाज के लिए भी बाहर लोग जा रहे हैं, क्या बाकी अफराद इंसान नहीं। हम एग्जैक्टली आपको सुनवाएंगे भी कि क्या कहा गया, लेकिन आगे चलते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने आज बन्नू धरने में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि हम इस्लामाबाद ऐसे ही नहीं चले गए थे और ना ही ऐसे ही वापस आ गए हैं, हुक्मरान अब अपने दिन गिनना शुरू कर दें। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे एक और अहम फैसला जो कि हमारे सामने है, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला महफूज कर लिया गया है और नवंबर 28 को वो अब सुनाया जाएगा। इन तमाम मौजूदात को ही हम अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। साथ साथ बिलावल भुट्टो जो उन्होंने अपनी एक तरह से गैर इत्मीनानी का इजहार किया है सिंध असम्बली में जाकर अपने वुजरा के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, उसको भी हम अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन, हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चलें। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर शाहीन खालिद बट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी पंजाब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और हमें टेलीफोन लिंक पर ज्वाइन कर रही हैं जनाब शाहिदा रहमानी साहिबा, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम नून लीग से जो है इब्तिदा करना चाहेंगे अपनी डिस्कशन का। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, अब आज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन जा चुके हैं और हुकूमत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की जो खबरें आ रही थी उन पर भी फेडरल कैबिनेट की जानिब से एक बड़ा क्लियर कट जो है फैसला कर लिया गया है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। नून लीग क्या सोच रही है, क्या देख रही है, क्या आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होगी फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, अब जबकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नून लीग के पॉलिटिकल अरीना पर नजर नहीं आएंगे? बहुत शुक्रिया नीलम। पहली बात तो ये है कि
اللہ کا بہت شکر ہے کہ فائنلی میاں صاحب جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ کے لیے پاکستان سے باہر آج چلے گئے، کیونکہ آخری دم تک گورنمنٹ کی جو کوشش یہ رہی کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے خود ہیومن بیس کے اوپر اس فیصلے کو، اس کی پذیرائی کی اور اس کو تائید کی کہ میاں صاحب جو ہے ان کی طبیعت واقعی بہت خراب ہے اور ان کا باہر جانا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں جیسے دودھ میں مینگنے ڈالنے والی بات ہے، اس پہ وہ ان کی توجہ رہی اور آخری دم تک ان کی کوشش یہ رہی کہ کس طریقے سے اس میں خرابی پیدا ہو اور میاں صاحب جو ہے باہر نہ جائیں، اگرچہ کہنے کی حد تک ہم سے زیادہ وہ اس بات کی تائید کرتے رہے کہ میاں صاحب کو باہر جانا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ صبح چلے گئے 10 بجے کی فلائٹ سے، اور ان کے ساتھ میاں شہباز بھی گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ میاں صاحب بہت جلد صحت یاب ہو کے پاکستان میں واپس آئیں گے. اور جہاں تک تعلق پارٹی کی رننگ کا ہے، ہم ماشاءاللہ آپ سے کچھ ہفتے پہلے سے ہماری جو ایک پریورٹی تھی اس میں میاں صاحب کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جانا اور ان کو جو بہترین ٹریٹمنٹ ان کے لیے ہو سکتی ہے اس کا ان کو دلوانے کے ایفرٹ کرنا، اس میں ہمیں کامیابی ہوئی. اب رہی بات پارٹی کی اور ملک کی سیاست کی، تو انشاءاللہ ہم پہلے سے بھی زیادہ فعال ہوں گے. ہماری جو قیادت ہے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی عقل میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے باہر ہے. جہاں تک میاں شہباز کا تعلق ہے، انشاءاللہ لیکن Right. جلد واپس آ جائیں گے. لیکن یہاں پر ہم ڈاکٹر اختر ملک صاحب جی آپ کی جانب آئیں گے، حکومت کی جانب. حکومت آج کے دن کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، اب جبکہ نواز شریف صاحب کا ڈپارچر ہو چکا ہے، شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ جا چکے ہیں، اور مریم نواز بڑا لو پروفائل رکھے ہوئے ہیں، انتہائی خاموشی جو ہے چھائی ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ پر. اور تو وزراء جو ہیں حکومت کے، ان کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں، پہلے ہم آپ کو سنوا دیں کہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے کیا کہا گیا ہے آج کی سچویشن کو لے کر. لیٹس لسن ٹو دیٹ فرسٹ اینڈ دین وی ول گیٹ بیک ٹو آور ڈسکشن ہیئر. نواز شریف صاحب کا اس طرح سے جانا جو ہے وہ پاکستان کی سوسائٹی کے لیے لانگ ٹرم میں انفارچونیٹ ہے. اس سے یہ تاثر بنتا ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا آئین ہے وہ پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہے، اور لگتا ہے کہ یہاں پہ ڈسکرمنیشن ہے عام آدمی میں اور خاص آدمیوں میں. یہ جو تاثر ہے یہ گہرا ہوا ہے نواز شریف صاحب کے اس طرح سے جانے سے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ اب آج جو ہے وزراء کی جانب سے جو رد عمل آیا ہے اس میں اکثر وزراء جو ہے وہ ناخوش بھی نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کے وزیر قانون ہیں فاروق نسیم صاحب، انہوں نے جو آج میڈیا ٹاک کی اس میں انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف واپس نہیں آئیں گے تو شہباز شریف پر توہین عدالت لگ سکتی ہے. تو کیا آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ میں تو نہیں جانا، لیکن واپسی اگر نہیں ہوتی تو اس کے بعد آپ کا کوئی اگریسو موڈ ہوگا لیگل پوائنٹ آف ویو سے؟ سب سے پہلے تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں سیاست بیماری پر سیاست کروں، یا کوئی بھی زی شور انسان بیماری پر سیاست کرنا نہیں چاہتا. یہ جو سارا پروسیجر ہوا ہے، جس طرح میاں صاحب کو سزا ہوئی، جو پناما اور ایون فیلڈ کیس، یہ سارے ان کے اپنے دور کے لگائے ہوئے نیب کے چیئرمین اور باقی لوگوں نے اور عدالت نے فیصلے کیے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ سارے ان کے اپنے لوگ تھے جو ان کے خلاف کیسز تھے، اور ایسڈ بیان مین، یہ ساری چیزیں یہ خود عدالت میں پروو نہیں کر سکے، تو جس کی بنیاد پر ان کو سزا ہوئی ہے. اور ایک جنرل پرسیپشن یہی ہے پاکستان میں کہ امیر کے لیے قانون ایک ہے اور غریب کے لیے قانون ایک ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے یہ پریسیڈنٹ ہے، اس جو ہماری سینگ ہے یا جو بھی لوگ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ امیر اور غریب کے قانون پہ فرق ہے. اب رہی بات میاں صاحب کی کہ یہ جب عدالت نے ان کو بیل دی تو ان پہ جرمانہ ہے جو عدالت نے امپوز کیا ہوا ہے. اب عدالت کو واپس جب گورنمنٹ پہ چھوڑا تھا عدالت نے کہ گورنمنٹ اس کو الاؤ کرے کہ یہ باہر جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، تو ان کا جرمانہ تو انہوں نے بھرنا تھا نا. تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ تھا
कि जो इन पे जुर्माना है वो उसके श्योरिटी बांड देकर ये चले जाएं। इन्होंने गवर्नमेंट को तो वो श्योरिटी बांड नहीं दिया, और जब ये अदालत में गए तो अदालत ने इनको बिठा कर इनसे स्टाम्प पेपर लिखवाया। पहले शायद सिर्फ मियाँ साहब के कहने पर हो जाता, तो इस दफ़ा अदालत ने दोनों को पाबंद कर दिया कि ये मियाँ साहब वापस आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो मियाँ शहबाज शरीफ या जो भी उसके रिस्पोंडेंट हैं वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे। मेरी अर्ज ये है कि अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत दे। मेरी अगर बात मुकम्मल होने दे, अगर नवाज शरीफ साहब की वापसी नहीं होती, जी मैं वही कहता हूँ ना, क्या अगर हुकूमत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फिर अप्लाई करेगी, फाइल करेगी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते? मैं वही कहता हूँ ना, देखिए ये अदालत में बयान अल्फी देकर गए हैं, अगर नहीं आएंगे तो उसको इन्होंने अदालत को रिस्पॉन्ड करना है। अदालत और हुकूमत मेरे ख्याल है कानून के दायरे में है, और कानून फिर अपना रास्ता बनाएगा इनके लिए, जो भी बनाएगा। मुझे अफसोस इस चीज का है, मुझे नून लीग के वर्कर से और पाकिस्तानी आवाम से भी थोड़ी सी हमदर्दी है। एक सेकंड अगर प्लीज, मेरी अगर बात मुकम्मल है। शाहिदा रहमानी साहिबा, शाहिदा नहीं, मुझे आगे जाना है डॉक्टर साहब, आपने काफी टाइम ले लिया। शाहिदा रहमानी साहिबा, अगर हम आपकी जानिब आए, ये अब जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है हमारे सामने, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रवानगी हो चुकी है, मौलाना साहब आए इस्लामाबाद, प्लान ए भी कर लिया, ट्राई प्लान बी भी कर लिया, अब शायद वो प्लान सी की तरफ जा रहे हैं, वो भी जा चुके हैं इस्लामाबाद से। जरदारी साहब जो हैं उनकी तबीयत जो है वो इंतहाई नासाज है, जो अलायंस थे हुकूमत के वो नाराज भी हुए, उसके बाद तरदीदी स्टेटमेंट्स भी आ गई, वो भी साइडलाइन है। तो अब इस वक्त क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ के जाने से और इन तमाम मामलात के होने के बाद हुकूमत पर अपोजिशन का जो दबाव था वो कम होता अब नजर आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा कि इस दौरान हुकूमत ज्यादा फिक्रमंद रही, क्योंकि नवाज शरीफ की इस हालत को यहाँ तशवीशनाक हद तक पहुँचाने में मैं समझती हूँ हुकूमत जिम्मेदार थी, कि हुकूमत ने 10,000 इंतहाई खतरनाक लेवल होता है प्लेटलेट्स का, कि आपको पता है एक सेहतमंद इंसान में जब 1.5 लाख से नीचे आने लगता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है, तो वो जब नीचे आता है तो वो तशवीशनाक होता है, और जब 10,000 पे पहुंच जाए उस सूरत में हॉस्पिटल लेकर आना, और उसके बाद जब हुकूमत ने देखा कि ये तो बात है, वो चैप्टर अब गुजर गया, वो प्लेटलेट्स हमने कोई पूरे हफ्ते हम इन्हीं नंबर्स गेम में लगे रहे थे, अल्लाह का शुक्र है वो माशाल्लाह एयर एम्बुलेंस से वो जा चुके हैं और अब उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट वहां पर शुरू हो जाएगी। बट कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, कि क्या इन तमाम मामलात के बाद हुकूमत के ऊपर जो अपोजिशन का दबाव था वो अब कम होता हुआ नजर आएगा, और हुकूमत के लिए अब जरूरी क्या नहीं होगा कि वो सियासी मामलात से हटकर जो इकोनॉमिक मुल्क की क्राइसिस है उसकी जाने फुल फ्लेज में तवज्जो दे सकेंगे? देखिए मैं अपनी बात तो पहले कंप्लीट कर लेती हूँ कि आज अगर नवाज शरीफ साहब गए हैं तो किस वजह से गए, वो उसकी बेसिक वजह तो प्लेटलेट्स थे और उनकी तबीयत का नासाज होना, इंतहाई तशवीशनाक होना कि एयर एम्बुलेंस उनके लिए आई और वो उस पर गए। तो सबसे पहले तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याब अदा करे और वो वापस आकर अपने मुकदमात का सामना कर सकें। दूसरी बात, आपने जहाँ तक कहा कि जी हुकूमत किस तरीके से अपोजिशन जो है वो किस तरीके से उनका प्रेशर कैसे कम होगा, देखिए हुकूमत खुद अपने लिए मुश्किलात क्रिएट कर रही है। इस वक्त जो महंगाई का सुनामी आया है, जो टैक्सेस की भरमार है, जो इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर जो आज हैं, जब वो अपोजिशन में थे और उन्हीं के अपने बयानियां निकाल लें, उनकी अपनी वीडियोस निकाल लें कि वो महंगाई का जिम्मेदार हुक्मरानों को समझते थे, वो जो आप भी जस्टिस की बात हो रही है, आइन की बात हो रही है, कानून की, आपने 1.5 साल में कितनी लेजिस्लेशन कर ली, आपने कितना इंसाफ देने के लिए लोगों को कर लिया, क्या आपने साने साने बात के लोगों को हम ये सवाल सामने रखेंगे हुकूमत के सामने? ऑलराइट, सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, ये अब बताइएगा कि अब क्या हम ये कह सकते हैं गिवन द सिनेरियो कि नवाज शरीफ साहब भी नहीं हैं और शहबाज शरीफ साहब भी जा चुके हैं, मरियम नवाज जो हैं वो इस वक्त खामोशी इख्तियार किए हुए, तो ये सब कुछ देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब कुछ अरसे के लिए शायद सियासी सरगर्मियों से दूर नजर आएगी, आप लोग इतने एक्टिवली शायद पार्टिसिपेट करते हुए नजर ना आए, तो नवाज शरीफ साहब को इलाज की गर्ज से बाहर भेजने तक आप क्या वेट करेंगे, शहबाज शरीफ वापस आएं और फिर वो जो अपना किरदार अदा करते नजर आएंगे?
नून लीग की सियासत के हवाले से? नहीं नीलम, इट्स गोइंग टू बी ऑन द कॉन्ट्रेरी एक्चुअली। अब देखिए, हम बहुत टेंस थे मियाँ साहब के हेल्थ के बारे में, बिकॉज हमें ये यकीन था कि मियाँ साहब की सेहत को ठीक तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा था। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमें यकीन था कि उसको एड्रेस ठीक नहीं किया जा रहा था। अब हमें यकीन है कि उनको वहाँ पे प्रॉपर जो मेडिकल असिस्टेंट मिलेगी, तो उस वजह से हमें अब वी हैव अ लिटिल पीस ऑफ माइंड टू दैट रिस्पेक्ट। इसलिए अब हम खुल के खेलेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको ये बताऊँ कि जहाँ तक मियाँ शहबाज का, मियाँ नवाज शरीफ का वहाँ यहाँ ना होना, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी प्रेजेंस से आप लोग खुलकर खेलने का आपको मौका नहीं मिल रहा था। आपने भी कहा पहले, पहले देखिए तो नवाज शरीफ साहब की प्रेजेंस की वजह से आप लोगों को क्या कोई ब्लॉकेज था? जी ब्लॉकेज नहीं था, हमें परेशानी थी। और उस वक्त अगर आपको याद हो कि हमने बड़ा क्लियरली कहा, हमारी पार्टी की लीडरशिप ने भी और कारकुनों ने भी, कि हमारी प्रायोरिटी इस वक्त मियाँ साहब की हेल्थ है, क्योंकि उनकी हेल्थ इश्यूज, जैसा कि हमारी कोलीग बता रही हैं कि 10,000 तक प्लेटलेट्स आ चुके थे, और आपको पता है कि जो उनकी कार्डियक सिचुएशन है और जो उनके लिवर, अपना किडनी की और उनके हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम्स हैं और डायबिटिक हैं, वो इन प्रॉब्लम्स के साथ अगर आपकी जो प्लेटलेट्स इतने लो हो जाएं, तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी। और शायद इसीलिए ये गवर्नमेंट परेशान भी थी, क्योंकि इन्हीं का किया धरा था। और अब जो आपका मुतालबा था वो पूरा हुआ, और वो अब साथ खैरियत के जो है उनकी रवानगी हो गई है और उनका इलाज भी वहाँ शुरू हो जाएगा। लेकिन कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन यहाँ पर सेनेटर साहब, कि अब आप लोगों का नून लीग का नैरेटिव क्या होगा? क्या आपका नैरेटिव होगा कि वोट को इज्जत दो, या वोट को इज्जत दो की बजाय अब आपका नैरेटिव खिदमत को इज्जत दो की जानिब जो है आप उस पर जो है ज्यादा तवज्जो देंगे? आगे किस नैरेटिव के तहत नून लीग चलेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून बजाहिर अब जारहाना अपोजिशन जो है शायद उसको अवॉइड करती नजर आए, बिकॉज शहबाज शरीफ साहब जो है वो जारहाना सियासत की बजाय वो मुफाहमत की सियासत के हवाले से पहचाने जाते हैं। नहीं, कल हमारी मीटिंग हुई और उसमें मियाँ शहबाज ने खास तौर पर बताया, और उन्होंने पूरा एक सेटअप किया है कि किस तरीके से हम अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखेंगे। और इंशाल्लाह जो हमारा नैरेटिव पहले था वही नैरेटिव अब होगा। अब बल्कि नैरेटिव के बदलने की ज़रूरत तो नहीं, उसमें एडिशन हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो कोताहियाँ हैं इस गवर्नमेंट की, अब डेढ़ साल में जो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन और दूसरी जो सोशल कंडीशन हैं उनका हालत तो आपके सामने है, तो आए दिन एक नई चीज़ ऐड हो जाती है उस नैरेटिव में। नैरेटिव बदल नहीं रहे हमारे, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अब चूंकि हमें ये पता है कि मियाँ साहब की जो तबीयत है वो उनको, उनकी मेडिकल असिस्टेंट को प्रॉपर तरीके से मिलेगी, और मियाँ शहबाज इंशाल्लाह एक हफ्ते और 10 दिन में वापस आ जाएंगे, और इस दौरान में भी उनका रब्ता हमसे मुसलसल वीडियो कॉल से रहेगा। और फिर उसके अलावा हमारी मुस्लिम लीग नून एक बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी है। देखिए, हमारे सीनियर लीडरशिप में राजा जफरुल हक यहाँ पे हैं, ख्वाजा आसिफ यहाँ पे हैं, आसन इकबाल साहब यहाँ पे हैं, दे आर कॉम्पिटेंट लीडर्स। तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर एक्टिविटीज। अभी अब आपके सामने, ठीक, आपके सामने ये दोनों अपोजिशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनका पर्सपेक्टिव आ गया है, और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि तमाम मामलात हुकूमत के पर्सपेक्टिव से वो बड़े खुश असलूबी कह लिया जाए या कॉम्प्रोमाइजिंगली कह लिया जाए, बहरहाल आपको एक फेयर ग्राउंड जो है इस वक्त मिल गया है इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करने के लिए। लेकिन जो आपके वुजरा हैं, हुकूमती वुजरा, उसमें फवाद चौधरी साहब ने भी आज कहा है कि नवाज शरीफ के इस तरह जाने से मुआशरे की नाकामी का तासुर जरूर गहरा हुआ है, जो जेलों में कह दी है, क्या उनका हक नहीं कि एक हल्फनामा वो भी दे दें, एक हैंड रिटन अंडरटेकिंग वो भी दे दें और फिर चले जाएं? अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून क्यों हमारी सोसाइटी की में नजर आता है? तो ये अब क्या तहरीके इंसाफ ने अभी सिर्फ हुकूमत हासिल की है, उन्होंने ये भी कहा निजाम नहीं बदल सके, तो इसे क्या हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने मान लिया है कि निजाम आप नहीं बदल सके? डेढ़ साल होने को आ रहा है, जबकि बदलना था, आपने रिफॉर्म्स लानी थी, कहां गई वो रिफॉर्म्स? देखें जी, पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। मैं बात कर रहा था कि मुझे पाकिस्तानियों से वो जो नेगलेक्टेड तबका है जिनका इलाज यहाँ पर पाकिस्तान में जिस अंदाज से किया जा रहा था, या मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, मुझे उनके साथ इसलिए भी हमदर्दी ज़्यादा है कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। बेगम कुलसूम नवाज साहबा जब इंग्लैंड में दाखिल हुई, तो जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे भी आ जाती है मौत। मैम, हमने भी मरना है, आप लोगों ने भी, कोई दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया, हर किसी ने जाना है यहाँ पर। लेकिन मैं समझता था कि मियाँ साहब
के लिए ये सबसे अच्छा होता कि पाकिस्तान का जो हेल्थ निज़ाम इन्होंने 30 सालों में डेवलप किया है उसी पे इक्तफा करते और कहते कि जिस तरह बाकी पाकिस्तानियों का हशर होता है इन अस्पतालों में, तो मैं भी इनके साथ मतलब रहना और इसके साथ इलाज करवाना मुनासिब समझता हूँ। यही फ़र्क है अमीर और गरीब का, कि जैसे चेयरमैन नैब ने आज कहा है कि ज़ुकाम भी हो जाए तो ये बाहर भागते हैं। 30 साल इनके पास हुकूमत रही, 30 साल ये कंटिन्यूसली 80s की दहाई से लेकर अब तक ये हुकूमत में रहे। इन हुकूमतों ने एक अस्पताल तो ऐसा बना लिया था जिस पे ये खुद अपना भरोसा कर सकते कि यहाँ पर हमारा इलाज ठीक हो, बाकी पाकिस्तानियों को छोड़े ना। ये दूसरी यही जो ये बात है, मुझे बड़ी हमदर्दी है उन लोगों से जो 60,000 के करीब हमारे कैदी हैं, जेलों में पड़े हैं, उनमें कई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, जो इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होंगे, उनको भी अगर अदालतें या जो भी एक जैसा कानून सबके लिए आ जाए कि पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी का उतना हक है जितना किसी भी अमीर आदमी का है। लेकिन ये कौन लाएगा ये कानून सारी रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन, ये करेगा कौन? ये तो हुकूमत के काम है। देखिए वही वही देखिए हो चुका है। अब देखिए इन्होंने जो बिगड़ा हुआ हम नहीं बदल सके, नहीं इन्होंने जो बिगड़ा हुआ सिस्टम दिया है हमें, आप 30 साल का 40 साल का बिगड़ा हुआ निज़ाम आप कहती हैं कि एक साल में ठीक हो सकता है, ये हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको हमें टाइम चाहिए। हमने जिस तरह अदालत में हमने इसको परसू किया है, जिस तरह हमने केसेस में इनको परसू किया, और जिस तरह ये आज देखें कि आज करंट अकाउंट खसारा जो पिछले 4 साल से बिल्कुल नेगेटिव में जा रहा था, आज 9,60,00,000 उस करंट अकाउंट में ज्यादा है। आपका एक्सपोर्ट बढ़ गई है, आपकी इंपोर्ट्स कम हो गई हैं, इनके जो आप पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी पहली हुकूमत है जिसने सबसे ज्यादा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है, यहाँ पर शाहिदा रहमानी साहिबा, एक जानिब हम देखते हैं कि आज सुबह नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ का डिपार्चर होता है, दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो हमें नवेद सुनाते हैं खुशी की, मईशत की बेहतरी पर वो काफ़ी मुतमइन दिखाई देते हैं, और वो कहते हैं कि पिछले चंद दिनों में उन्होंने मईशत की बेहतरी के हवाले से जो चेंजेस देखी हैं वो उन्होंने आज अपनी ट्वीट में जो है सामने रखी हैं हमारे, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें जो इक्तसादी इस्लाहात इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की गई थी उनकी बेहतरी अब नज़र आ रही है और अब सही डायरेक्शन जो है उस पर गामजन है पाकिस्तान की इकोनॉमी। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है 2019 में वो गुज़श्ता 4 साल की नस्बत आज सबसे बेहतरीन है, सरप्लस में है। अक्टूबर में करंट अकाउंट बैलेंस प्लस 99 मिलियन डॉलर रहा है और सितंबर 2019 में जो करंट अकाउंट था वो नेगेटिव 284 मिलियन में था, और फिर अक्टूबर 2018 में जो 1280 मिलियन था मिलियन डॉलर था 2018 में। तो अब ये जो हमें वजीर आजम फिगर्स दे रहे हैं उससे तो कुछ क्या आपको लग रहा है कि इकोनॉमिक कंडीशन की डायरेक्शन जो है वो सही सेट होती नजर आ रही है? देखिए जी, बात आज ये हुई कि हमारी जो है इकोनॉमिक बेहतर हुई, तभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि इन्हीं के अपने मिनिस्टर रजाक दाऊद साहब, शब्बर जैदी साहब जो फाइनेंस एफबीआर में और फाइनेंस मिनिस्टर, सबने कहा कि जो पिछली हुकूमतों की जो डायरेक्शन की वजह से अब जाके मईशत हमारा जो 128 से 108वें नंबर पे आ गया। बात ये कि इन्होंने तो कोई ऐसे कारकर्दगी नहीं की। आप ये देखें कि ये इन्होंने महंगाई को तो आसमान पे पहुंचा दिया और मईशत का और जो इस वक्त हमारी इकॉनमी है उसको जमीन में इन्होंने धसा दिया। आप तमाम वर्ल्ड रिपोर्ट देखें, आईएमएफ की रिपोर्ट देखें कि यानी हर जगह पर आपने सिवाय नुकसान के कुछ नहीं किया, हर महाज पर आपको नाकामी देखनी पड़ी। आप बात करते हैं कि जी हमने ये किया, आप कह रहे हैं कि हमने सिस्टम को, भाई आप कह रहे हैं जिसको काम करना होता है एक साल तो बहुत है, 14-14 महीने के अंदर पिछले पहले हुकूमतें खत्म हो जाया करती थी, आपको तो आज 1.5 साल होने को आ गया है और आप जो है अभी तक अपने कमी का रोना रो रहे हैं। जिनको काम करना होता है वो 90 दिन का आप वादा करके कैसे आ गए थे कि हम 90 दिन में इंकलाब ले आएंगे, हम 90 दिन में इस्लाहात ले आएंगे। आप तो आज 1.5 साल का अर्सा गुजर गया, पार्लियामेंट ने कितनी लेजिस्लेशन की है, आप तो ऑर्डिनेंस के थ्रू हुकूमतें चला रहे हैं। आपने महंगाई कहा करते थे कि जी महंगाई के जरिए हुकूमतें नहीं चलती, और आज जो है आप महंगाई करके भैंसे बेच के कट्टे बेच के मुर्गियां और पता नहीं कैसे कैसे प्लान लेके आते हैं कि 6 लीटर से 12 लीटर। लेकिन नंबर्स यहाँ पर जो डेरा हमारे सामने है, मैं अगर सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, हमारे सामने जो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डेरा सामने आया है
उसके मुताबिक जो पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स हैं उसमें इस साल डिक्लाइन आया है 14.65 बिलियन डॉलर्स से, वो जो है वो कम हुई है, पिछले साल तक 19 बिलियन डॉलर्स थी। तो इंपोर्ट्स में कमी वाकया हुई है जबकि एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुई है। एक्सपोर्ट जो है वो 7.9 बिलियन डॉलर्स से ज्यादा होकर 8.22 बिलियन डॉलर्स तक गई है। और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर नंबर देखे जाए तो वो कम हुआ है 19.9 बिलियन डॉलर्स से, कम होकर वो 12.75 बिलियन डॉलर्स पर आया है और 36% कमी हुई है कैड में। और फिर जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में गया है पिछले चार सालों में पहली दफा। ट्रेड डेफिसिट की अगर बात कर लें तो वो भी 11 बिलियन डॉलर से कम होकर 6.4 बिलियन डॉलर पर आया है। तो गिवन द नंबर्स तो बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, फिर आपको अपोजिशन को क्यों नहीं बेहतरी नजर आ रही इन नंबर्स के साथ, इन रिपोर्ट्स के साथ? तरीका भी हो कि इन नंबर्स को हम सेल कर सकें उन लोगों को जिनकी तनख्वाह जो है 30-40,000 रुपीज़ है, उनको किस तरीके से आप ये नंबर सेल करेंगे जबकि उनके पास ऑलरेडी क्वेश्चनिंग का ये आलम है कि उनकी तनख्वाह जो है वो 20 डेज के बाद ख़त्म हो जाती है। और हाल ये है कि आज आप मार्केट में देख लीजिए कि मैं टमाटर का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि ऑलरेडी बड़ी बदनामी हो चुकी है गवर्नमेंट की, इनको उसकी प्राइस का इल्म नहीं है, लेकिन आप किसी और सब्ज़ी को देख लीजिए जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, आप बिजली को देख लीजिए, आप एनर्जी को देख लीजिए, आप गैस की प्राइसेस को देख लीजिए, और बंदे की जो आम एक आदमी है जो मैं बिल्कुल बॉटम लाइन पे है उसकी तनख्वाह 15,000 से 20,000 के दरमियान में, इसको आप हाउ वुड यू सेल दिस फिगर्स टू देम? कोई ऐसा तरीका हो कि आप 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल में अब हम ये कहने पर आए हैं कि हमारी फिगर बेहतर हो रही है, मुझे बताएं कि वो आदमी तो ऑलरेडी ही इज़ ऑन अ वर्ज ऑफ डाइंग, मतलब उनका तो बुरा हाल है, उनको आप कितनी देर और हमें ये बताएं, हमें आज ये बैठे हुए ये बताएं कि कितने अरसे के बाद इनकी प्राइसेस जो हैं कंजम्पशन की वो लो आ जाएंगी, कि हमारा जो गरीब आदमी है वो बाजार से अपनी तनख्वाह में कर्ज लिए बगैर, चोरी किए बगैर, अपनी तनख्वाह में से बाजार में से अपनी लिविंग जो है एक महीने की पूरी कर सकेगा? ये हमें बताएं, ये फिगर जो है ये बता के आप एक गरीब आदमी को और तकलीफ पहुंचाते हैं। ब्रेक से वापस आकर ये हम डेफिनेटली एब्सोल्युटली पूछेंगे हुकूमत से वापस आकर कि आखिर वजह क्या है, ये क्या मिथ है, नंबर्स आपके अच्छे नजर आ रहे हैं बट इन रियलिटी जो एक कॉमनर है उसकी जिंदगी पे इसका असर क्यों नजर नहीं आ रहा? स्टे विद अस, वी बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि आज सुबह जबकि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की एयर एम्बुलेंस के थ्रू रुखसती हो चुकी है, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अक्टूबर 2019 के दौरान एक्सपोर्ट्स में 20% इजाफा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले माह की निस्बत अक्टूबर 29 गुड्स एक्सपोर्ट और सर्विसेज में 20% उसमें इजाफा करता हुआ नजर आया है जबकि पिछले साल की निस्बत अक्टूबर 2019 में 9.6% गुड्स एक्सपोर्ट्स में इजाफा देखा गया। अब आम आदमी की जरूरियातें जिंदगी में बिजली गैस और दूसरी जो कीमती अशिया हैं उनकी कीमतें बदस्तूर महंगी ही नजर आती हैं, तो फिर सवाल यहां ये उठाया जाता है कि अगर इकोनॉमी बेहतर हुई है तो एक आम शख्स को, अवाम को आखिर रिलीफ क्यों नहीं मिलता नजर आता है? इसके साथ साथ हमने देखा कि असद उमर साहब ने कैबिनेट में उनकी वापसी होती भी नजर आई है और आज उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है, उन्हें मंसूबा बंदी और जो स्पेशल प्लानिंग है खसूसी इकदामात का कलमदान आज सौंपा गया। अब उनकी कैबिनेट में वापसी को किस नजर से देखा जाएगा, क्या हुकूमती मामलात चलाने में वो इस मिनिस्ट्री में कोई बेहतरी दिखा सकेंगे? और फिर ये भी खबरें हैं कि काफ लीग और एमक्यूएम को भी एक एक वजारत शायद देते हुए हमें आइंदा दिनों में नजर आएगा कि क्या काफ लीग, अब सवाल फिर ये भी उठ रहा है कि क्या काफ लीग और एमक्यूएम ने मौलाना के धरने से फायदा उठाया है और इसके बदले में अब वो भी मौलाना के लिए कुछ ना कुछ करते नजर आएंगे? ये तमाम मामलाते हैं। और फिर चेयरमैन नैब भी आज बड़े अरसे बाद सरगर्म नजर आए और आज इस्लामाबाद में उन्होंने बड़ा अग्रेसिवली कहा कि अपने अजम को दोबारा दोहराते हुए वो कहते हुए नजर आए कि ना डील होगी और ना ही ढील दी जाएगी और ना ही NRO दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोग नजला जुकाम होने पर बाहर जा रहे हैं तो क्या बाकी इंसान नहीं है? इनके इन बयानात को किस तरह से देखा जाए, क्या चेयरमैन नैब की जानिब से इस वक्त वजाहत दी जा रही है कि उनका नवाज शरीफ के मामले
पर कोई किरदार नहीं है, या फिर शायद ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो सियासतदान इस वक्त नैब की जेर हरासत हैं, उनसे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब हवाओं का रुख बदल रहा है। हम इन तमाम महरकात को अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे कि आखिर हवाओं का रुख जो है क्या बदल रहा है, और अगर बदल रहा है तो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। गेटिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, यहाँ पर डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, आपने ब्रेक पर जाने से पहले ऑपोजिशन के जो कंसर्न्स थे वो आपने सुने थे, और वो राइटली सेट कि हमारे सामने नंबर्स जो वज़ीर-ए-आज़म हमें खुशखबरी सुना रहे हैं ट्वीट्स के जरिए, उसमें वो नंबर्स बड़े अच्छे बता रहे हैं और वो बड़े खुश हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारी इंक्रीज हुई हैं, इम्पोर्ट्स डिक्रीज हुई हैं, कैड में हमारी कमी हुई है और 36% बल्कि कमी हुई है, ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी कम हुआ है। लेकिन सवाल सबसे मेजर इस वक्त ये है कि अगर सूरत हाल में बेहतरी आ रही है तो एक आम आदमी तक इस बेहतरी के समरात क्यों नहीं जाते हुए नजर आ रहे? देखिए जी, ये जो मेरे भाई और मेरी बहन बात कर रही हैं, इनको अगर तसव की ऐनक उतार के देखें तो इनको ये फिगर्स बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आएंगी। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मुबालगा रही नहीं है। नेट पे जाएं, आपके स्टेट बैंक के नेट पे जाएं, आपके बाकी जो नेट हैं वेबसाइट पे जाएं तो आपको इनको नज़र आ जाएगा। दूसरी बात रह गई ये कि जो टमाटर की बात करते हैं, ये परवेज रशीद साहब की एक तकरीर है 2013-14 की, उसमें भी इन्होंने 250 से ऊपर ये टमाटर बेचा है। तो इनमें उनकी क्या नाअहली शामिल थी या कोई और चीज़ थी? मैं अगर कहेंगी तो मेरे अपना फ़ोन में सेव है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, चला भी दीजिएगा, इनको ज़रा याद दहानी के लिए मैं कह रहा हूँ। तीसरी बात यह है कि जिस हालत में ये मुल्क को छोड़ कर गए हैं कि हर इदारा मकरूज, हर लोन जो मुशर्रफ दौर में 39 बिलियन पर था ये 100 बिलियन पर छोड़ कर गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हुकूमत है जिसने 10 बिलियन डॉलर के करीब हमने लोन इनका लिया हुआ वापस किया है, और बाकी चीज़ें ट्रिकल डाउन होते होते नीचे आवाम तक आते आते थोड़ा टाइम लगता है। इनको ज़्यादा फिक्र इस चीज़ की हो रही है कि ये अगर डिलीवर कर गए तो हमारी तो जगह नहीं बनती, ये तो इलाज के लिए बाहर जाते हैं, कारोबार के लिए बाहर हैं, औलादें इनकी बाहर हैं, इनके पास कोई अखलाकी जवाब फिर रहेगा नहीं कि इस मुल्क में हम सियासत किस बुनियाद पर करें। इनको थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। शायदा रहमानी साहिबा, आपने अभी हुकूमत का पर्सपेक्टिव सुना। दूसरा, बिलावल भुट्टो जो है वो आज सिंध असेंबली में 2 मीटिंग्स करते हैं, और इतलाफ के मुताबिक वो अपने जो प्रोविंशियल उनके बुजरा हैं उनसे बड़े नाखुश नजर आए, और उन्होंने उनको बाकायदा जो है इंस्ट्रक्ट किया है कि उनको अपनी परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज करनी है, इंप्रूव करनी है, वरना उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल, जो बिलावल की पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो जेपर्डाइज हो जाएगी जस्ट बिकॉज के जो वज़रा हैं वो उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। देखिए जी, अभी मैं हुकूमत का जो मौकफ था, उन्होंने जो एदाद शुमार का गोरख धंधा जिसको ये माजी में कहा करते थे आज उसको ये खुद दोहरा रहे थे। वजारतों की बारिशें इन्होंने की हुई हैं, जो कि कल तक बड़ी वजारतों के ऊपर कहते थे मैं मुख्तसर कैबिनेट रखूंगा हर चीज पर, तो इन्होंने झूठ बोला, दरोह गोई की और उसको इन्होंने यूटर्न का नाम दे दिया। इनके अपने ही जो इनके अलायंस है, आप उनका स्टेटमेंट सुन लें, चौधरी शुजात साहब ने क्या कहा कि इन जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं अगर इसी तरह रहे तो फिर 3 माह में कोई वजारत उज़्मा की तलबगार भी नहीं होगा। तो ये अभी बात कर रहे थे कि जी औलादे बाहर हैं, तो आप खुद बता देना कि किस कद अलीमा खान की कितनी पॉवर्टी बाहर है, इमरान खान की अपनी औलादे बाहर क्यों पल रही हैं, क्यों वहां पर मौजूद हैं। आप अपने गिरेबान में तो झांक के देखें कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसकी इनकम कुछ नहीं है और उसकी प्रॉपर्टी चेक कर लें, आप अपना ही जो है वो फॉरेन फंडिंग केस को खोल लें, आप अपने ही जो डिप्टी स्पीकर है उसमें जब इलेक्शन कमीशन फैसला देता है तो आप स्टे लेकर बैठ जाते हैं, तो आप अपने आप जरा सा अपने ही हालात देखें ना, अल्लाह करे कि आप कुछ कर सके जो कि कर नहीं सकते, जो कि नजर आ गया 1.5 साल के अरसे में कि आपने कहीं कोई एक ऐसी जगह बता ले कोई ऐसा। लेकिन यहाँ पर शायद साहिबा ये हम सवाल उठाते हैं उनसे भी, लेकिन यहाँ पर बताइएगा कि जो मैंने आपसे सवाल किया कि बिलावल साहब को आखिर ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि उनको इस तरह से बाकायदा तौर पर कहना पड़ा कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है वो जेपर्डाइज हो जाएगी अगर जो वज़रा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो डिलीवर नहीं करेंगे, वो परफॉर्म नहीं करेंगे, तो क्या सिंध के हालात जो है सिंध में भी परफॉर्मेंस की लैकिंग है नजर तो आ रही है?
देखिए जहां तक रहा आपका सवाल का जो सेकंड पार्ट था, आपने उसको रिपीट किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने वुजरा का चेक एंड बैलेंस करते हैं, हुकूमत सिंध के तमाम मेम्बरांस का, तो यही उस सिलसिले की कड़ी है कि उसके लिए वो अक्सर वक्ता फवक्ता उनकी कारकर्दगी की जाँच पड़ताल करते हैं। और आपने देखा इस डेढ़ साल के अंदर वजारतें भी मुख्तलिफ तब्दील की गई, महकमे भी तब्दील किए गए, और आज भी उसी सिलसिले का था जिसमें वो बैठे, और वो भी ये चाहते हैं कि आवाम को डिलीवर हो सके। और अब बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए, जाहिर है हर पार्टी ये चाहती है कि हमारी कारकर्दगी बेहतर हो ताकि आवाम आने वाले इंतखाबात में उन्हें दोबारा मुंतखब कर सके। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, देखिए हमने इसी जांच पड़ताल और इसी तरीके से बेहतर कारकर्दगी करने की कोशिश की। आज सिंध के हॉस्पिटल, कराची के हॉस्पिटल, गंबट के हॉस्पिटल, NICVD एंड लीवर ट्रांसप्लांट या कैंसर हॉस्पिटल, ये सब कराची के अंदर बेहतरीन अंदाज में सिंध में काम कर रहे हैं, और पूरा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराता है। जहाँ तक एजुकेशन में आपने देखा कि पहले बहुत ज्यादा खराब था, फिर उसके बाद जब बायोमेट्रिक सिस्टम आया, सारे घोषित जो मुलाजमीन थे उनको निकाला गया, उसमें भी लेकिन शायद लड़काना में हम बार बार इस मामले को हाईलाइट कर रहे हैं, मीडिया पर ये मामला बार बार हाईलाइट हो रहा है कि लड़काना में कुत्तों के काटने से लोगों को वैक्सीन जो है मुहैया नहीं है वहां पर, और जिसकी वजह से काफी केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। तो जब इतने वैस्ट मैक्रो लेवल पर हमें प्रोग्रेस बताई जाती है, तो वहां पर माइक्रो लेवल पर इस चीज को क्यों इग्नोर किया जा रहा है ओवर एंड ओवर अगेन? इग्नोर नहीं किया जा रहा है, मिनिस्टर साहिबा ने भी इस सिलसिले में अपने स्टेटमेंट दे चुकी हैं, बता चुकी हैं। वफाकी हुकूमत से हमने कहा था कि वैक्सीनेशन के जो देने में उन्होंने कोताही बरती है, हम सिंध हुकूमत ने बार बार डिमांड की है, वजारत सेहत ने बार बार डिमांड की कि हमें वैक्सीनेशन जो हमें चाहिए वो दी जाए। लेकिन आपको पता है कि ये इसमें भी वफाकी हुकूमत को जो वैक्सीनेशन हमें देनी थी विफाक के थ्रू आती है, वो वैक्सीनेशन ना आने की वजह से ये इस तरह के प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ रहा है। और इंशाल्लाह ताला उसको भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तमाम मिनिस्टर पूरी कैबिनेट में लगी हुई है कि हम इन तरह के जो भी मसाइल है उसको हल कर सकें। और थोड़ा सा अगर चेक एंड बैलेंस हो के जिनको फंड्स दिए गए थे इस वैक्सीन को लाने के लिए, क्या वो सही टाइम पे सबमिट हुए थे, क्या पेपर वर्क सही टाइम पे सबमिट हुआ था? बहरहाल मूविंग ऑन, यहाँ पर सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, अगर हम चेयरमैन नैब के हवाले से बात कर ले, तो हम पहले आपको सुनवा देते हैं कि उनकी जानिब से काफी अरसे बाद बड़ा एक जो है एक्टिव और अग्रेसिव खिताब जो है वो किया गया आज इस्लामाबाद में। लेट्स लिसन टू हिम फर्स्ट, व्हाट डिड ही एग्जैक्टली से, एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन हियर। आपके नज़दीक किसी शख्स की अहमियत नहीं, तो बड़ी एक छोटी सी बात है कि जो करेगा तो वो भरेगा। किसी पर गलत तनकीद करने से आपके कद में इजाफा नहीं हुआ करता। आप तनकीद बराए तनकीद न करें, आप तामीरी तनकीद जब चाहें जिसके बारे में चाहें जो चाहें करें, किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। न कोई ढील होगी हमारी तरफ से, न कोई डील होगी हमारी तरफ से, न कोई NRO होगा हमारी तरफ से। वो तरीका आजमा, एक आम आदमी अपने आप से जब सवाल करता है कि आप जिस हॉस्पिटल में जाएं एक बेड पर तीन तीन बंदे, और दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि आपको जुकाम भी हो जाए तो आप जाके अपना इलाज मुआलजा लें। जी यहाँ पर सेनेटर साहब, आपको भी हमने नैब के चेयरमैन का खिताब सुनवाया, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि ना डील होगी, ना ढील होगी और ना ही NRO दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग नजला जुकाम होने पर बाहर जा रहे हैं, तो क्या बाकी इंसान नहीं है? तो ये नैब चेयरमैन को इस किस्म के अग्रेसिव स्टेटमेंट्स या बयानात देने की जरूरत क्यों पेश आई? जी थैंक यू नीलम, मुझे इजाजत दीजिए एक मिनट के लिए, मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट के जो हमारे यहाँ ट्रेड बैंक से बैठे हुए हैं उन्होंने जो कमेंट किया अपनी परफॉर्मेंस पे उसका जवाब दे दूँ। देखिए ये डे वन से कह रहे हैं जी कि जो पिछली हुकूमत ने हमारे लिए छोड़ा और थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। अब दोनों चीज़ों की समझ नहीं आ रही कि पिछली हुकूमत ने जो छोड़ा और कितना वक्त लगेगा, ये कब तक ये बात चलते रहेंगे? इस तरीके से हुकूमत नहीं चला सकेंगे। डेढ़ साल हो गया आज, और इन्होंने तो 90 डेज में पाकिस्तान की तकदीर बदल देनी थी, आज तक हमें कोई इनका रोड मैप नज़र नहीं आया किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बात को अब ये कब देर कितनी देर तक चलाएंगे। मैं इसको बजाय से कि उसको मैं डिस्कस करूं, मैं ये सिर्फ चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट हमें ये बताए कि हमने ये कर लिया है और ये हमारी प्लानिंग आगे करने की। ये अपोजिशन को छोड़िए, अपना काम
करें, अपनी परफॉर्मेंस बताएं, अपने प्लान बताएं, उनको डिस्कस करें ताकि कौम को कुछ होप नज़र आए आगे। ये तो बात मैं इनके हवाले से करना चाहता हूँ। रही बात चेयरमैन नैब की, देखिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम अपने काम, जिस तरह हमारे रेलवे के मिनिस्टर साहब हैं उनको रेलवे के अलावा हर काम आता है, अपने रेलवे के बारे में वो कभी कमेंट नहीं करेंगे और तमाम दुनिया की सियासत कर लेंगे। इसी तरह मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब को बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल ढील नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल ढील नहीं देनी चाहिए और किसी को बंदे को प्रेफरेंस और अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये तो बातें करने वाली नहीं, ये तो कहने वाली नहीं, ये तो करने वाली हैं और उनको करना चाहिए। इसकी बार बार रेपिटेशन जो है वो हमें शक में डालती है, शायद इनके अंडर ये कोई अंडर प्रेशर है, शायद इनको कोई प्रेशर है और उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए वो गाहे बगाहे टीवी पे आके तो उसका अदा करते रहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि नैब की जो ड्यूटीज़ हैं, नैब के जो काम हैं उनके तहत उनको बिल्कुल किसी को डील और ढील नहीं देनी चाहिए। और ये बात कहने की नहीं है, ये करने की है और खुदा के बाद उसको करें। किस किस्म के प्रेशर के अंडर चेयरमैन नैब जो है ये अल्फाज अदा करें? डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, उन्होंने ये भी आज कहा है चेयरमैन नैब ने कि अब हवाओं का रुख बदल रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे मुहाज की तरफ भी जा रहे हैं और नए केसेस से यकतरफा एहतसाब का तासुर दूर हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हुक्मरान ये ना समझे कि आंखें बंद कर लेंगे। तो अब सवालात यहाँ पे ये उठ रहे हैं कि नैब का रुख किस तरफ जा रहा है, हवाओं का रुख किस तरफ जा रहा है, क्या नैब का रुख अब हुकूमत में शामिल जो मेम्बर्स हैं उनकी तरफ आता हुआ नजर आएगा, क्या फरमाइएगा? देखें जी, नैब जो है ना वो इंडिपेंडेंट इदारा है और जिसको जिसने इस मुल्क का एक पैसा भी चुराया है, लूटा है, डाका मारा है, उसको नैब पकड़े, हम नैब के साथ हैं, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस में है, चाहे अपोजिशन में है, चाहे जिस पार्टी से हैं, हमारा ये क्लियर कट स्टांस है। आपने देखा होगा कि हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स नैब के पास गए, इवन फेडरल के, प्रोविंशियल के सारे मिनिस्टर्स अपनी अपनी पेशियाँ और पूरा टाइम गुजार के वहाँ पर अदालत ने उनको रिलीफ दिया है तो आए हैं। इमरान खान साहब ने कहीं पे इंटरफेयर नहीं किया। दूसरी बात रह गई ये कि जो ये मेरी बहन कह रही थी, इमरान खान के पास तो ऑफिशियल जो पोजीशन है वो तो आई अब है, इन्होंने तो जितना माल इन्होंने शिफ्ट किया है, बच्चे शिफ्ट किए हैं, इन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजिशन लेने के बाद शिफ्ट किए हैं और जो चीज़ें वो आवाम से ढकी छुपी नहीं है। मेरी बहन सिंध की बात कर रही थी तो लाड़काना की अभी सीट जो पीपल्स पार्टी का काबा है वो सीट अभी लूज की है, वहाँ पर जहाँ पर कुत्तों का राज है, गरीब बेचारे अपनी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, कई बिलियंस रुपीस का वहाँ लाड़काना में वो पैकेज दिए गए थे, मुझे एक एक चीज़ का पता अगर कहेंगी तो मैं इनको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि उस पर इन्होंने डेवलपमेंट क्या किया। आज 30 साल 40 साल से कंटिन्यूस सिंध में ये हुकूमत में है, क्या ये तब्दीली लेकर आए हैं, उसी का नतीजा है कि आज लाड़काना की सीट भी ये घर की सीट हार गए हैं जो खाना काबा है पीपल्स पार्टी का। और रह गई बात, ये 40 साल हुकूमत में रह गए हैं, उस चीज़ की बात नहीं करते जो 1.5 साल अभी जुमे हमें 8 दिन हुए हैं इस हुकूमत में आए हुए, हमसे ये हिसाब मांगने आ गए हैं। हमने तो 100 दिन में इनको प्लान दिया था कि 100 दिन में हम प्लान देंगे इसका आगे जाने का। आज आप देखें कि PIA की हालत पहले से बहुत बेहतर है, आज आपने जो फिगर्स कोट किए हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, आज रेलवे हादसात हुए हैं बिल्कुल हम मानते हैं अल्लाह ताला का पर्सपेक्टिव आ गया, लेकिन रेलवे के हालात बेहतर हैं, बाकी इदारों के हालात बेहतर हैं। कर दीजिएगा जो जो कंसर्न्स यहाँ रेस किए गए हैं, एक तो लड़काना के हवाले से कि पीपल्स पार्टी का होम ग्राउंड होते हुए वहां पर जो है पीपल्स पार्टी जो है वो लूज कर जाती है, और दूसरा जो चेयरमैन नैब का ये जो बयान है उनके मुताबिक अब हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, और तो ये क्या हवाओं का रुख अब हुकूमती मेंबरान की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, क्या फरमाइएगा? मैं तो इस पे चेयरमैन नैब के स्टेटमेंट पे, एक तो जो उन्होंने तर्जुमानी करते हैं, मैं इस तरह लगता है जैसे वो हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं। आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जी ना NRO दूंगा, वो प्राइम मिनिस्टर और वज़रा की जबान इस्तेमाल कर रहे हो, तो दूसरी तरफ उन्होंने तासुर को जाहिर करने की कोशिश की कि जी हम हुकूमत का एक दफा शुरू तो किया था, इसी तरह के इंटरव्यू दिया था तो उनकी वीडियो आ गई थी, अब अल्लाह खैर करे उनके साथ कि कल उनके साथ क्या होता है, इस पर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकी। और
दूसरी बात, इन्होंने लाड़काना की थी तो हमने घोटकी की थी, वो सीट जो इन्होंने जीती हुई थी वो भी हम पीपल्स पार्टी जीत के आई है। इन्होंने तमाम पार्टीज का अलायंस बना के, सिर्फ एंटी पीपल्स पार्टी, इन्होंने तमाम पार्टीज का अलायंस बनाया। और जिस तरीके से वहां पर धांधली की गई लाड़काना में, इंशाल्लाह ताला लाड़काना की सीट कल भी हमारी थी, आज भी हमारी होगी। आज जो ये हुकूमत में बैठे हैं, जहां जहां जिस तरीके से 2018 के इंतखाबात में इन्होंने धांधली की और धांधली के जरिए, रेंजर्स के जरिए इन्होंने रिजल्ट को तब्दील कराया, इस तरीके आप आजाद और शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात करा लें, आज पता चल जाएगा इनके तो एक डिप्टी स्पीकर का हल्का खुला, पूरी कौम ने देखा कि कितनी बुरी तरीके से वो हारे, और फिर इन्होंने अपने ही इलेक्शन कमीशन के नतीजे फैसले को मुस्तरद करते हुए ये कोर्ट में चले गए और स्टे पे आज जाकर ये बैठ गए। अगर इनके अंदर जरा सा भी वो होता ये बात करें, इनके तो अपनी सफों के अंदर। हम मूव ऑन करेंगे, हमारे शो का वक्त इंतहाई कम रह गया है। यहाँ पर सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, क्विकली आपसे मालूम करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने जब आज बनू में खिताब किया तो उन्होंने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि हम इस्लामाबाद ऐसे ही नहीं गए थे और ना ही ऐसे ही वापस आए हैं, तो अब कैसे वो गए थे और कैसे वापस आए हैं, किस जानिब इशारा वो कर सकते हैं, और अगर उनके बयान को देखा जाए तो वो किसके कहने पर इस्लामाबाद आए, क्या लेकर वापस गए, उस हवाले से जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनके बयान भी पिछले दिनों काफी जो है सामने आते रहे थे, तो क्या समझा जाए कि मौलाना क्यों कह रहे हैं हुकूमत को बड़ा दो टोक के हुकूमत अब अपने दिन गिनना शुरू कर दे। ये आप क्वेश्चन उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से करते, बहरहाल जो मैं समझता हूँ कि मौलाना ने जो उनका धरना था या उनकी जो मार्च थी उसको उन्होंने किसी हद तक तो हमारे जो पूरे एलआई हैं उनके साथ मिलके स्ट्रेटेजाइज किया, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने खुद उसको स्ट्रेटेजाइज किया है। अब उनके लिहाज से तो अभी उनका धरना ख़त्म नहीं हुआ, उनकी अभी तक मार्च खत्म नहीं हुई, उनका उनकी सेनेटर साहब आपने कहा कि उनकी किसी पार्टी उनकी जमात के मेंबर से पूछना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो रहबर कमेटी का सेशन हो रहा है उसमें एहसन इकबाल साहब भी मौजूद हैं, अयाज सादिक साहब भी मौजूद हैं जो कि आपकी पार्टी के मेंबर्स हैं। नहीं, वो ठीक कह रही हैं आप, मैं उसकी जुम्मेदारी पूरी ले रहा हूँ, लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा कि क्या लिया और क्या दिया, ये तो खैर एक बात मैं समझता हूँ कि अगर मुझसे आप पूछें तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप को वैलिडेट कर लिया, वो बिल्कुल कोई सीट के बावजूद कि उनके पास अपनी कोई जाती सीट नहीं है, लेकिन देखिए उन्होंने दो हफ्ते यहाँ इस्लामाबाद में रहे। शुक्रिया शाहीन खालिद भट्ट साहब, डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, शाहिदा रहमानी साहिबा, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, साथ साथ ही आज फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ खिलाफ जो संगीन गद्दारी केस था उसका फैसला भी महफूज किया जा चुका है, जो कि 28 नवम्बर को सुनाया जाएगा। कोर्ट की जानिब से कहा गया कि परवेज मुशर्रफ के वकील को 3 मौके दिए गए, वो क्यों नहीं आए। अदालत ने परवेज मुशर्रफ के वकील को 26 नवम्बर तक तहरीरी दलाइल देने की हिदायत भी की है। 2013 में दायर किया गया था, अब इस मुकदमे का फैसला जो है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। इस केस में अगर मुशर्रफ साहब के खिलाफ फैसला सुनाया जाता है तो क्या सबसे बड़ा सवाल अब ये आ रहा है कि क्या हुकूमत परवेज मुशर्रफ को वतन वापस लाती नजर आएगी या नहीं, या आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आज के लिए इतना ही, सी ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।